जिला खाद्य विपणन अधिकारी के उत्पीड़न से महिला का गर्भपात। जिला खाद्य विपणन अधिकारी के उत्पीड़न से महिला का गर्भपात, एडीएम से की शिकायत। जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में एक गर्भवती महिला कर्मचारी का अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से किया गया उत्पीड़न। आपको पूरा मामला बता दें, कलेक्ट्रेट में पीड़िता के भाई संजय तिवारी ने एडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में एक गर्भवती महिला कर्मचारी का अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से उत्पीड़न किया गया और उसे छुट्टी भी नहीं दी गई। इसी उत्पीड़न के चलते महिला का गर्भपात हो गया है। इस मामले में पीड़िता के भाई ने एडीएम से शिकायत की है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री संजय तिवारी ने बुधवार को एडीएम बांदा को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बहन खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय में कर्मचारी है, जो 2 महीने की गर्भवती थी। कुछ दिक्कत होने के कारण डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने दवा देने के बाद 4 दिन आराम करने को कहा था। इस संबंध में बहन ने 27 दिसंबर को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उक्त अधिकारी द्वारा न सिर्फ छुट्टी निरस्त कर दी गई, बल्कि कर्मचारियों के सामने ही बेइज्जत कर भगा दिया गया। घर पहुंचने पर दूसरे दिन नोटिस दी गई और फोन पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, इस अवस्था में बहन को 2-2 जगह का चार्ज दे रखा था और हर बात पर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके चलते उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता के भाई ने बताया कि मैं आज इस मामले को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय आया था, लेकिन जिला अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण पर थे, इसलिए घटना की जानकारी एडीएम को दी है। उन्होंने पूरा प्रकरण की जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। क्या है समस्या? क्या समस्या? समस्या ये थी कि हमारी दीदी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, ठीक है। जिस मामले को चलते हुए उन्होंने अभी कुछ 27 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए, ठीक है, 2 दिन का अवकाश के लिए दिया था, और उनको डॉक्टर ने चार वीक की छुट्टी दी थी, ठीक। उसमें क्या हुआ कि इनके जो अधिकारी हैं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी हैं, तो इन्होंने उनकी छुट्टी निरस्त कर दी थी, बीच में रोक दी थी। जिस मामले में उन्होंने कल जाके ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि उनके अचानक इनके जो अधिकारी हैं, खाद्य विपणन अधिकारी हैं, जिला खाद्य विपणन, इन्होंने क्या किया, काफ़ी उन्हें मानसिक टॉर्चर किया है, उन्हें इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया था, और ऑफिस में सबके सामने धुतकार के भगा दिया था, और उसके बाद ये वो फोन में धमकी भी दी थी, नोटिस जारी करेंगे तो छुट्टी भी नहीं मांगते थे, और किसी प्रकार की कोई बात हो तो उनके ऊपर बहुत मानसिक 2-2 जगह का चार्ज दिए हुए थे उनको, ठीक है। इसके बाद उनके ऑफिस में तबीयत खराब हो गई, ऑफिस में तबीयत खराब होने के बाद उनको भर्ती करवाया गया, उसमें उनका मिसकैरेज हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय की मांग करना चाहते हैं, और इनको, इनके जो अधिकारी, इनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। वहाँ अधिकारी वहाँ गए थे? गए थे, वहाँ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। इनके जो RFC होते हैं, संभागीय खाद्य नियंत्रक, ये भी नहीं मिले हैं, और जो खाद्य विपणन, जिला खाद्य विपणन अधिकारी होते हैं, ये भी नहीं मिले हैं। यहाँ किसके पास आए आप? यहाँ पे डीएम सर के पास आए थे, पर डीएम सर शायद दौरे में गए हुए हैं, तो एडीएम सर से भी मुलाकात हुई है, उनको एप्लीकेशन दिया है। तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उनके लिए नोटिस जारी कर दिया है, लिख दिया है, उनसे आख्या मांगेंगे इसमें कैसा क्या है। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।